हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास फोर चैप्टर टू। क्लास फोर में चैप्टर टू का नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि है ट्राई आउट टू। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस एक्सरसाइज सॉल्व की थी ट्राई आउट वन, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके पहले देख सकते हैं। देन ट्राई आउट टू जो है, इसमें आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, तो आज हम ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम आपको किस तरह से समझाना है इजी वे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन है, हिमांशीज एनुअल इनकम वॉज 4,05,300 इन द ईयर 2010। 2010 में हिमांशी की एनुअल इनकम इतनी थी। शी गॉट एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 25,000 इन द ईयर 2012 में उसकी जो इनकम थी वो इंक्रीमेंट जो वर्ड है मतलब इंक्रीज़ होना। इसका मीनिंग अगर बच्चों को पता होगा तो वो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मींस इतनी सैलरी थी और फिर 25,000 से वो इंक्रीज़ हो गई है, तो इंक्रीज़ होना मतलब बढ़ना होता है। तो यहाँ पे व्हाट वाज हर एनुअल इनकम इन द ईयर 2011, तो 2011 में उसकी एनुअल इनकम क्या होगी। तो क्योंकि सैलरी उसकी इंक्रीज़ हो रही यानी बढ़ रही है, तो बढ़ने के लिए नंबर्स क्या होंगे और बड़े होंगे, तो बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि इसमें ऐड करना है। अब बात आती है कि इसमें जो स्टेप्स लिखने होते हैं वो कैसे लिखने हैं। तो जो स्टेप्स होते हैं वो इसी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी रहती है उसी में से हमें बनाने होते हैं। जैसे फर्स्ट जो लाइन है इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एनुअल इनकम कितनी है 2010 में, इतनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एनुअल इनकम इन 2010 इज़ इक्वल टू कितनी है, रुपीज़ 4,05,300। देन शी गॉट एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 25,000। 25,000 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इंक्रीज बाय, कितने से इंक्रीज हो रही है, 25,000 से इंक्रीज हो रही है। इट इंक्रीज बाय 25,000 नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो व्हाट वाज हर एनुअल इनकम इन द ईयर 2011, तो 2011 में उसकी एनुअल इनकम क्या होगी, तो यहाँ पे सिंपली हमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट बना के भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी बच्चों को करा सकते हैं, लाइक 4,05,300 देन 25,000 के थ्री ज़ीरोस, यहाँ 5 और 2, इसे हमें प्लस कर देना है। 0,0,3 5, 5, 10 का 0 कैरी 1, 2 + 1 = 3 and 4। तो उसकी एनुअल इनकम का जो 2011 में होगी वो लगभग इतनी है। तो इसका क्वेश्चन क्या, आंसर क्या बनेगा, व्हाट वाज हर एनुअल इनकम इन द ईयर 2011, तो आंसर में लिखेंगे हर एनुअल इनकम इन द ईयर 2011 वॉज 4,30,300। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। इफ़ यू इंक्रीज 84,496 बाय 35,768, व्हाट विल बी द न्यू नंबर। तो यहाँ भी इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ मतलब बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हमें इसे ऐड करना है। तो इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई स्टोरी नहीं, बट डायरेक्टली बोल दिया कि इसको इतने से इंक्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना होगा, ये नंबर लिखेंगे 84,496। वी विल राइट हियर 84,496 और इसमें प्लस कर देंगे 35,768 और इसको सिंपली प्लस करा देना है। और जो भी आंसर आता है ऐड करने में,
बस इसी स्टेटमेंट में लिखना है. व्हाट विल बी द न्यू नंबर? द न्यू नंबर विल बी जो भी आंसर आएगा 6 + 8 14 का 4 कैरी 1 9 प्लस 10 1 10 10 एंड 6 16 का 6 कैरी 1 7 प्लस 1 8 8 4 12 का 2 कैरी 1 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 10 का 0 1 8 1 9 9 प्लस 3 12 0 2 6 4 दिस इज आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रियल एस्टेट एजेंट बॉट टू अपार्टमेंट्स इन 2001. एक रियल एस्टेट का एजेंट है जो 2001 में टू अपार्टमेंट्स खरीदता है. अपार्टमेंट ए कॉस्ट 5,75,496 एंड अपार्टमेंट बी कॉस्ट 4,50,675. हाउ मच डज द एजेंट पे फॉर बोथ द अपार्टमेंट्स? तो दोनों अपार्टमेंट्स के लिए उसने कितना पे किया? तो यहाँ भी सिंपली दिख रहा है कि टू अपार्टमेंट बॉट किया, तो आप बच्चों को इसको छोटे नंबर्स में भी करा सकते हैं. अगर एक अपार्टमेंट का कॉस्ट सपोज 10 रुपीज़ है, दूसरे का 15 है, तो दोनों का कितना होगा? तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी दोनों को प्लस कर देना है. अब बात आती है स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट लिखते हैं. सो थर्ड क्वेश्चन इज स्टेटमेंट. सिंपली क्या करना है, कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट ए लिखेंगे यहाँ पे. कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट ए इक्वल्स टू 5,75,496. देन कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट बी इज इक्वल टू 4,50,675. देन क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच डज द एजेंट पे फॉर बोथ द अपार्टमेंट. तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बोथ अपार्टमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको करा देंगे प्लस. 6 + 5 = 11 का 1 कैरी 1 9 + 1 = 10 7 = 17 का 7 कैरी 1 6 + 4 = 10 1 = 11 का 1 कैरी 1 5 + 1 = 6 5 + 7 = 12 का 2 कैरी 1 एंड हेयर 10. तो दोनों अपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी 10,26,171. नाउ लास्ट क्वेश्चन. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 6,34,296 इन द ईयर 2012. 2012 में एक सिटी में इतने लोग रहते थे. इट इंक्रीज्ड बाय 45,125 इन द ईयर 2013. 2013 में इतने लोग और इंक्रीज हो गए. तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द सिटी इन 2013? तो 2013 में कितने हो गए पॉपुलेशन? तो इतने थे, इतने से और बढ़ गए. तो इसमें भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे. पॉपुलेशन इन 2012 इज इक्वल टू 6,34,296 इंक्रीज्ड इन 2013 बाय कितने से इंक्रीज हो रही है, 45,125 से. तो यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2013 इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे 6 + 5 = 11 का 1 कैरी 1 9 + 1 = 10 2 + 12 का 2 कैरी 1 2, 3, 4, 9, 7, 6. तो ये है आंसर. पॉपुलेशन इन 2013 इज 6,79,421. तो ये था ये ट्राई आउट टू एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम विथ स्टेटमेंट. तो इस तरह से बच्चों को डिटेल में पहले क्वेश्चन अच्छे से समझाइए, फिर उसको किस तरह से स्टेटमेंट के साथ लिखना है वो समझाइए. नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, नेक्स्ट में हम ट्राई आउट 3 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, कि बच्चों को सब्ट्रैक्शन किस तरह से समझाना है, और उससे रिलेटेड ये सारी एक्सरसाइजेज हम सॉल्व करेंगे.
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।